फ्रेंड्स, मेरा नाम मीनाक्षी कुमावत है और मैं बहुत मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। जयपुर के पास ही एक छोटा सा गांव है फुलेरा, वहाँ मैं रहती थी। मेरी शादी जब जयपुर हुई तो मेरे सपने बहुत बड़े थे और मेरी शादी मिडिल क्लास फैमिली में हुई, लेकिन मैं कुछ करना चाहती थी। लेकिन मेरे मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ तो मेरी फैमिली भी बहुत ही ट्रेडिशनल थी और उनका ये था कि बाहर नहीं जाना, घर में ही रहना, ये काम करना, वो काम करना। फिर धीरे धीरे बच्चे हो गए तो, लेकिन फिर भी सपने तो नहीं छूटते, सपने तो सपने होते हैं। तो मैंने सपने बहुत बड़े बड़े देखे थे। फिर मैंने सर के साथ मिलके, मेरे हस्बैंड के साथ मिलके जिम का काम करना शुरू किया। धीरे धीरे सब कुछ सेटल करते हुए अपना काम करके फिर मैं जिम जाती थी और मेरे घर में साड़ी अलाउ है तो मैं साड़ी पहनती थी और बाहर जाके ड्रेसअप को चेंज करके ये सब करती थी। तो चैलेंजेस बहुत बड़े थे, लेकिन वो सपने पूरे नहीं हो रहे थे जिम ज्वाइन करने के बाद भी, जो मैंने देखे और मैंने अपने बच्चों के लिए देखे। तो मैं धीरे धीरे, फिर जब हमारी जिंदगी में 2014 में मोदीकेयर आया तो एक होप मिली कि हाँ, इससे हमारे सपने पूरे हो सकते हैं। और वो धीरे धीरे हमने उसके लिए ट्रेनिंग सेमिनार्स इन सब में जाना शुरू किया और हमें धीरे धीरे रिस्पॉन्स मिलना शुरू हुआ और हमने इस बिजनेस को बिल्ड करना शुरू किया। दोस्तों, मेरा नाम नरेंद्र खोरानिया है और मैं जयपुर में रहता हूँ। मैंने बहुत सारे काम किए अपनी लाइफ में जिससे कि जिंदगी बदले, लेकिन कुछ मिल नहीं रहा था अच्छा। पहले मैंने नगिनों का काम किया, फिर उसके बाद में मैंने जिम में नौकरी की, फिर मैंने खुद के जिम चलाए, एक मैंने बहुत बड़ा जिम खोला, मैंने उसमें बहुत लॉस खाया, मैंने घर को गिरवी रख के जिम खोला था। तो इस तरह से जिंदगी कट रही थी, चैलेंजेस बहुत थे, कुछ बड़ा करना चाहते थे। फिर एक दिन हमारी जिंदगी में आलोक मुदगल जी के द्वारा मोदीकेयर बिजनेस आया। मुझे इस इंडस्ट्री के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था, तो मैंने सोचा कि शायद प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस है। तो मैं प्रोडक्ट बेचने लगा, प्रोडक्ट्स बहुत बढ़िया थे, उनके रिजल्ट्स बहुत बढ़िया आए, लोगों को फायदा होने लगा, मुझे कुछ इनकम होने लगी। फिर मैं एक बार दिल्ली गया जहाँ मैंने कंपनी के ओनर समीर मोदी जी को सुना। वो ये कह रहे थे कि हमारा देश 1947 में आजाद हो गया, लेकिन हम लोगों को आज भी आर्थिक रूप से आजादी नहीं मिली। और वो इस कंपनी को उन्होंने इसीलिए स्टार्ट किया है ताकि हर हिंदुस्तानी को आर्थिक आजादी मिले। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी और मैं इस कंपनी से जुड़ गया और मुझे लगा कि मैं कुछ बड़ा कर पाऊंगा यहाँ इस कंपनी के साथ में। कंपनी हिंदुस्तानी थी, लोग बहुत बढ़िया थे और मैंने लोगों की लाइफ को बदलते हुए देखा। जैसे जो हमें बिजनेस बताने के लिए आए थे तरुण बजाज जी, मैंने देखा कि लगातार वो अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं। उसके बाद में मैंने कपिल जी को देखा, वो एडवोकेट थे प्रोफेशन से, लेकिन वो भी इस बिजनेस में काफी आगे बढ़ रहे थे। हर साल वो विदेश यात्राएं जा रहे थे, कार बदल रहे थे हर साल। उसके बाद में आलोक जी को देखा जो कि गवर्नमेंट जॉब में थे, उन्होंने अपने नौकरी को रिजाइन कर दिया सरकारी जॉब को। तो मुझे लगा कि ये इंडस्ट्री तो बहुत बड़ी है, इसलिए फिर मैंने भी इसको सीखना शुरू किया। मैं इसका सिस्टम का एक हिस्सा बन गया, हर मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार में जाने लग गया क्योंकि मेरा विश्वास बढ़ गया था। धीरे धीरे मेरी भी टीम बनने लगी, मुझे भी सफलता मिलने लगी। जब कभी पहले इस बिजनेस से पहले मैं एक सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल चलाया करता था। बाद में मैंने इस बिजनेस में आके एक अल्टो गाड़ी खरीदी मारुति की। मुझे लगा कि ये बहुत बड़ी गाड़ी है, लेकिन मुझे जल्दी ही पता चल गया कि भैया ये बहुत बड़ा है बिजनेस। तो मैंने यहाँ से होंडा सिटी कार ली और जहाँ हम अभी हिंदुस्तान में नहीं घूमे, लेकिन आज हम हर साल विदेश घूमने चले जाते हैं। यहाँ से मैं करीब 6-7 कंट्री घूम चुका हूँ और लाइफ को बहुत एंजॉय कर रहे हैं। और आपसे भी ये कहना चाहूंगा कि अगर आपकी लाइफ में कोई चैलेंजेज आ रहे हैं, लोग मना कर रहे हैं, क्योंकि हमें भी कहते थे भैया ये जिम बंद हो जाएगा, कुछ कर लो ढंग का, ये कुछ नहीं चलता, लेकिन मैं करता रहा, मीटिंग ट्रेनिंग्स में जाता रहा, टीम बनाता रहा, लोगों को बताता रहा, चैलेंजेज आए, बहुत कठिन था, आसान नहीं था, लेकिन चैलेंजेज अगर आपकी लाइफ में आ रहे हैं तो यकीन मानिए कि आप भी सफल होंगे। और मेरा सिर्फ एक ही मैसेज है कि डोंट क्विट। अगर आप इस बिजनेस को क्विट नहीं करेंगे तो आपकी सफलता को कोई भी नहीं रोक सकता। थैंक यू वेरी मच। लव यू मोदीकेयर।